अब हम करेंगे क्लास थर्ड की यूनिट सिक्स की वर्कशीट नंबर फोर, विच इज़ ऑन कन्वर्जन. इट इज़ ऑन कन्वर्टिंग डेज टू आवर्स एंड आवर्स टू मिनट. इसके ऊपर टॉपिक है, डेज को नंबर ऑफ आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है एंड आवर्स को नंबर ऑफ मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना है. तो इट विल बी वर्कशीट नंबर फोर विच विल बी डूइंग क्लास थ्री. अब जब नंबर ऑफ डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. तो एक दिन इज इक्वल टू 24 आवर्स अगर हमें पता है तो फिर हमें जितने मर्जी नंबर ऑफ डेज दिए गए हों तो हम उसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने आवर्स के बराबर है. हम जैसे हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है कि टू डेज इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स. अब टू डेज को मैं टू इंटू वन डे लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसको टू इंटू, अब वन डे की क्या वैल्यू है 24 आवर्स, इसको 24 आवर्स लिखा जा सकता है. अब आपको 24 को टू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 2 8 एंड 2 2 4, ये कितने आ गया 48 आवर्स. तो ये इस तरह से हमें सारी वैल्यूज मिलने वाली हैं नंबर ऑफ डेज की. अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि 8 days, अब 8 days का पूछा गया है कि इट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स. तो इसका भी वैसे ही चलना है, 8 इंटू इसको वन डे लिखा जा सकता है और अब ये 8 इंटू वन डे की वैल्यू क्या है 24 आवर्स के बराबर. तो इसको अगर हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है तो वन डे को 24 आवर्स लिखना पड़ेगा. अब इसके बाद हम अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 आवर की 8 के साथ. अब 8 फोर का कितना होता है, 8 फोर ज़ा 32, 3 कैरी, 8 टू ज़ा 16 एंड प्लस 3 19. तो ये कितना आ गया 192. तो हमारा अब आंसर क्या बनेगा 192 आवर्स. तो 8 डेज की हमारे को इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी. आगे भी दो सम्स करते हैं. और अब अगला क्या है, अब पूछा गया है कि वन वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स. तो अब पहले वन वीक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में. तो वन वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, इट इज इक्वल टू 7 days. तो अब 7 days जो हैं दैट विल इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स. तो उसको अब हम 7 into 1 day लिख सकते हैं. अब 7 को वन डे की जगह पे हम वन डे की जो वैल्यू आती है आवर्स में वो लिख सकते हैं. अब क्या करना है, अब 24 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 4 28, 2 कैरी, 7 2 14 प्लस 2 16. ये अब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 168 आवर्स. तो ये वन वीक की वैल्यू निकल के आ गई इन नंबर ऑफ आवर्स में. अगला क्या है, अब पूछा गया कि 31 डेज इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स. क्या करेंगे, वैसे ही जैसे अभी किया था सबके साथ, 31 इंटू वन डे लिखा जाएगा. नंबर देख के घबराना नहीं है. अब वन डे की वैल्यू क्या है इन आवर्स, 24 आवर्स. तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 24 आवर्स. अब अगला काम जो इम्पोर्टेंट रह गया वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 31 by 24. तो वो अब कैसे करेंगे हम, 4 1 4 एंड 4 3 12. और अब जब 2 की करेंगे तो वो टेंस में है तो 1 0 हम पहले लगाएंगे यहाँ पे. अब उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई शुरू करेंगे
टू वन्स आर टू एंड टू थ्रीज आर सिक्स। अब इसको ऐड करिए, फोर, टू प्लस टू फोर, वन प्लस सिक्स सेवन, तो आंसर क्या आया 744। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 744 आवर्स। तो वन मंथ, 31 डेज तो एक तकरीबन वन मंथ ही हो गया ना, तो वन मंथ इज इक्वल टू 744 आवर्स। तो ये अब नंबर ऑफ डेज का आज में कन्वर्जन अब हो गया ख़त्म। मैंने दो क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आपके लिए हैं, खुद करिएगा। अब हम करेंगे कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स। अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ आवर्स इनटू मिनट। तो पहले हमें देखना पड़ेगा आवर्स, वन आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, वो ज़रूरी है। जब वो पता लग जाएगा तो फिर तो जितने मर्जी आवर्स दिए जाएं, उनको कन्वर्ट करना इनटू मिनट्स बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। तो अब जैसे ये मिनट वाली सुई है, जब ये पूरा एक चक्कर लगाती है तो फिर वन आवर कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे अभी ये ऑलमोस्ट टू बजे दिख रही है, तो ये जब पूरा चक्कर लगाएगी तो ये छोटी सुई जो है ये थ्री पे आ जाएगी, तो थ्री आवर, तीन तीन बज जाएंगे, वन आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये छोटे छोटे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, अब ये टोटल कितने बनते हैं, तो हमने क्या सीखा था, यहाँ तक 5 मिनट्स, यहाँ तक 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। तो पूरे जो 60 मिनट्स जब ये मिनट वाली क्लॉक कवर करती है तो वन आवर हो जाता है। सो वन आवर इज एक्चुअली इक्वल टू 60 मिनट्स। तो जब आपको ये पता चल गया, तो फिर अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि भी 6 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, तो इसको 6 आवर्स को हम ये 6 into 1 आवर लिख सकते हैं, एंड इसको 6 into, अब मिनट्स की वैल्यू हम इसमें डाल दें, तो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब इसमें आगे क्या करना रह गया, अब आगे रह गया है कि हम 60 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो क्या आंसर आता है। ये रफ़ वर्क के लिए ये ध्यान रख लेना, आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन करोगे ये रफ़ वर्क में करोगे, 6 0 0 एंड 6 6 36, तो ये कितने हो गए, 360 मिनट्स। तो ये वाले जो सम्स हैं जिसमें आज को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ये हम इस तरह से करेंगे। अब अगला क्या है, हमें पूछा गया 9 आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स। तो 9 आवर्स को हम 9 into 1 आवर लिख सकते हैं, और इसको 9 into, अब हम 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 9 0 0 एंड 9 6 54, तो ये कितने मिनट्स बन गए, 540 मिनट्स। तो आंसर क्या आया, 540 मिनट्स। अब अगला करते हैं, थोड़ा सा टफ कर ले, टफ तो है नहीं बट टफ दिख रहा है, दैट इज 30 आवर्स। करना कैसे, जैसे अभी किया, इसको पहले हम लिखेंगे 30 into 1 आवर। अब ये 30 into, अब इसको 1 आवर को चेंज करो मिनट्स में, तो ये कितने मिनट्स हो जाएंगे, 60 मिनट्स। अब जो है 60 and 30 की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो ये 10 यहाँ पे और 0 0 0 0, 0 6 0 ही आएगा। अब 30 की मल्टीप्लिकेशन होनी है तो 10 यहाँ पे लगेगा,
3 0 0 एंड 3 6 18। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन ही करवा रहा हूँ, फास्ट वाली नहीं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कितने मिनट्स हो गए? 1800 मिनट्स। मैंने ये मल्टीप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप वाली करवाई, वरना हम फास्ट वाली भी कर सकते थे, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। तो 30 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 1800 मिनट्स। अब इसके बाद एक लास्ट सम करते हैं। अब क्या है? 22 आवर्स। इसको कन्वर्ट करना मिनट्स में, तो कैसे? वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे। 22 into 1 hour ये लिखा जाएगा, एंड 22 को अब 1 hour को कन्वर्ट करो मिनट्स में, तो कितना मिनट्स लिखा जाएगा? 60 मिनट्स। अब जो है मल्टीप्लिकेशन 22 की 60 के साथ करेंगे। तो इसमें अगर आसान सा तरीका ढूंढना है तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 + 1 13। अब ये मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, पर हमारी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होनी है? 60 के साथ। तो यहाँ पे आंसर में एक 0 ऐड हो जाएगा। तो क्या आंसर आया? 1320 मिनट्स। ये थी वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन जिसके बारे में बोल रहा था। इसको आप वैसे ना करके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जैसे हम बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं और छोटे को नीचे लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 0 0 एंड 2 6 12। अब यहाँ पे ये वाला जो 2 है ये 10s की पोजीशन पे है, तो 10 वैसे ही आ जाना है। तो अब ये मल्टीप्लाई करो 2 0 0 एंड 6 2 12। अब इनको एडिशन कर दो, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 + 0 = 2 आ गया, यहाँ पे 1 + 2 = 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो आंसर क्या आया? उतना ही आया जो हमने पहले निकाला था, 1320 मिनट्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने दोनों तरह की आपको सिखा दी है, जोन सी आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। अब अगले सम में हमें क्या दिया हुआ है? कुछ टाइम आज में भी दिया है और कुछ टाइम मिनट्स में भी दिया हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि इसको हम कन्वर्ट करें इनटू मिनट्स। तो जो तो टाइम ऑलरेडी मिनट्स में है उस पे तो हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, और जो आवर्स में है उसको हमें सिर्फ मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? इसको हम 2 hours + 15 minutes लिखेंगे। मैं मिनट्स का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। अब 2 hours को हमें कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे कन्वर्ट होंगे? ये 2 into 1 hour जैसे हम कर रहे थे +15 minutes, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं। अब ये 2 into 60 minutes लिख सकते हैं 1 hour को +15 minutes, और अब ये कितने मिनट्स हो गए? ये हो गया जी 120 minutes + 15 minutes। अब 120 को 15 के साथ ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 5 + 0 = 5, 2 + 1 = 3 एंड यहाँ से 1 नीचे आ जाएगा, तो कितने आ गया? 135 minutes। दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 135 minutes। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो 2 hours + 15 minutes इज इक्वल टू 135 minutes। और करना कैसे है? इस तरह से। अब अगले सम में हमें क्या दिया हुआ है? 9 hours and 5 minutes। तो इसको भी कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको भी हम 9 hours + 5 minutes, मिनट्स का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, MIN, आप पूरा कर सकते हैं। ये अब डिपेंड करेगा आपकी क्लास में कैसे करवाते हैं। अब जो 5 मिनट्स हैं
उसको तो हमें कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है मिनट्स में, हमें सिर्फ इन 9 आवर्स को कन्वर्ट करना है। तो 9 आवर्स को आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 9 × 1 आवर लिखेंगे प्लस 5 मिनट्स, अब इसको 9 × 60 मिनट्स लिख सकते हैं प्लस 5 मिनट्स, वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, उनको तो कुछ भी नहीं करना हमने। अब 9 × 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो एक आ ही जाना है, तो 9 6 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 54 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स यहाँ के आ जाएंगे जो चल ही रहे थे, तो 540 में 5 ऐड कर दीजिए तो कितने मिनट्स बन गए, 545 मिनट्स। तो 9 आवर एंड 5 मिनट्स क्या बन गए, 545 मिनट्स। तो करना कैसे है कि भी जो मिनट्स में ऑलरेडी है वैल्यू उसको तो कुछ भी नहीं करना, जो आवर्स में है उसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें फाइनली आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 आवर्स एंड 20 मिनट्स। अब करना कैसे, आवर्स को सेपरेट करो, ये 16 आवर्स प्लस 20 मिनट्स हम लिखेंगे पहले, अब आवर्स वाले को अब मिनट्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करते थे, ये 16 × 1 आवर लिखते थे हम प्लस 20 मिनट्स, तो ऐसे ही लिखा जाएगा और ये एंड तक चलेगा। अब 1 आवर को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए प्लस 20 मिनट्स, तो वैसे ही लिखा जाता रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट है 60 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे होता है हम बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं छोटे को नीचे लिखते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0 एंड 6 6 36, और जब 1 के साथ करेंगे तो ये टेंस की पोजीशन पे है, तो 10 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिखना है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 0 0 एंड 16 6, तो अब इनको ऐड करो, 0 + 0 6 + 0 6 एंड 3 + 6 9, तो अब ये कितने हो गए, ये हो गए जी 960 मिनट्स। प्लस 20 मिनट्स जो चल ही रहे थे ऊपर से, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 980 मिनट्स। जब दोनों ही वैल्यूज मिनट्स में आ गई तो फिर उनको ऐड करना ही रह जाता है, तो वो फिर अब एंड में हमने करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर आया, 980 मिनट्स। अब 2-3 सम्स मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, वो आपके लिए, वो आप खुद करिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कुछ सजेशंस देने हैं वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखते जाइए, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इसको, ये शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया है, जिसको आप जब शेयर करेंगे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक शेयर हो जाएगा। मैं 3rd, 4th एंड 5th को लेके क्लासेस बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें जो 3rd की वीडियोस है वो ब्राउन कलर में लिखी मिलेंगी आपको, और 4th की आपको रेड कलर में मिलेंगी, एंड 5th की आपको पर्पल कलर में लिखी मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी आती रहे वो आपको मिलती रहेंगी। 4th स्टैंडर्ड मैं ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुका हूँ, तो 4th स्टैंडर्ड की जितनी भी बुक है, मैं DEV स्कूल्स की बुक मैंने पकड़ी है, तो वो मेरे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।